हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स योर बॉय ट्रिग्ना चिकू एंड आज हम खेल रहे हैं एक ऐसी गेम जो कि इंस्पायर्ड है बाय रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स, फियर्स टू फैदम। एंड ये इस गेम का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले के जो तीन पार्ट है वो भी मैं अपने चैनल पे खेल चुका हूँ एंड जेन्युइनली मेरे को लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉरर गेम जो मैंने अब तक खेली है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती है वो एक्चुअली में किसी के साथ हुई हुई हैं, तो वो सोच के ही जो एक अलग लेवल का डर आता है ना। तो लेट्स गो एंड प्ले पार्ट नंबर 4, आयरन बार्क लुकआउट। लेट्स गो, फियर्स टू फैदम एपिसोड 4, आयरन बार्क। हाँ, और अनरिलेटेड है ये वाली जो गेम है, पिछले तीन पार्टों से अनरिलेटेड है। पार्टो, व्हाट आई एम अबाउट टू रिकाउंट हैपेंड व्हेन आई वाज 24 और सो एट द टाइम। 24 साल का जब था तब ये हुई थी किसी के साथ स्टोरी। थोड़ा वियर्ड लगता है लोगों को इसके बारे में बताना, बिकॉज ये इतनी बिजार है और जो चीज़ें हुई थी वो इतनी एब्सर्ड है कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा। बट मुझे लगता है कि उसकी जो मेमोरीज है वो शायद हेल्प करें मुझे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आई न्यू दैट शेयरिंग दिस स्टोरी एनी वेयर वुड बी डम्ब आइडिया, क्योंकि लोग जो है वो बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एंड जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, दिस वॉज द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ये जिसके साथ हुई है उस बंदे की एक्चुअल उसने लिखा है। आई एम जैक नेल्सन। ओके, जैक नेल्सन नाम के बंदे के साथ हुआ है ये। मेरी एक छोटी सी जॉब थी पार्क रेंजर स्टेट पार्क में, एंड वहाँ पे वो पूरा जंगल ही जंगल था, आसपास मीलों मीलों तक जंगल ही था, मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट्री सर्विस। मेरी सैलरी इतनी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी चला रहा था बस, बट मैं इतना भी नहीं कमाता था कि मैं रेस्टोरेंट्स में जा सकूँ और अच्छे कपड़े पहन सकूँ। मेरी बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट अब तक थी कि मैंने एक RV खरीदा था। RV मेरे को नहीं पता क्या होता है, आई थिंक स्कूटर शायद। दिस वन टाइम मुझे ट्रांसफ़र कर दिया था एक आउटपोस्ट से दूसरी पे बिकॉज ऑफ ऑफिशियल सर्कमस्टांसेस। माइनर इनकन्वीनियंस हुई थी मुझे इससे, लेकिन मैं जी रहा था अपनी RV में। अच्छा, RV मेरे ख्याल से वो बड़ी सी बस होती है शायद उसको। आई सेड गुड बाय पिछली जगह को और नई जगह पे चला गया। वो 2 घंटे दूर था। ओके, अच्छा, तो हम अब पुरानी जगह से नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। WASD से ड्राइव, क्या बात है। केला नेल्सन का मैसेज आया है। केला नेल्सन ने क्या मैसेज करा है? ये गाना क्यों इतनी तेज बज रहा है? क्या तुम रोजबर्ग से निकल गए? तो हमने रिप्लाई करा है, नहीं अभी तो नहीं। देखो, मैंने गेम में भी मैसेज पढ़ने के लिए गाड़ी रोक दी। कितना प्यारा बच्चा हूं मैं। एक बहुत ही शांतिपूर्वक अकेले जिंदगी जीता था। वो मेरे दिमाग को शांत रखता है, सारी मेमोरीज जो है उनको दूर रखता है। गेम में भी गाड़ी नहीं चलाई जा रही मुझसे। अरे, सामने से ट्रक आ रहा है भाई, अगर मैं इस ट्रक में ठोक दूं तो नहीं, नेवर माइंड। मुझे ग्रेट आउटडोर्स बहुत पसंद है। नेचर से अपने आप को घिरा रखना मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे ऐसा लगता है जंगल ही मेरा घर है। ये मैं, देख रहे हो, ऑन द स्पॉट ट्रांसलेशन कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। केला नेल्सन का फिर से मैसेज आया, एक मिनट गाड़ी रोक लेते हैं। ओए होए होए, क्या प्यारा गाना चला है। अच्छा, केला नेल्सन ने मैसेज करा है, मुझे याद है वहाँ पे देयर इज दिस डाइनर वाइल पासिंग रोजबर्ग, वहाँ पे सबसे अच्छे बर्गर मिलते हैं, तुम्हें खाने पड़ेंगे। ओके, तो हमने उसे रिप्लाई करा है, हाँ मैं खा लूँगा, थैंक्स। ओके, तो बर्गर खाने की जगह आएगी, वहाँ पे बर्गर खाने हैं। गाने बंद कर देते हैं बिकॉज बहुत ही इरिटेट कर रहे हैं ये गाने। और बहुत ही अरे अरे, ये क्या हुआ? वो मैं पीछे भी देख सकता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बस है जिसके अंदर ही मैं रहता हूँ। आई सॉ द डाइनर केला वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। अरे, ठुक जाएगी गाड़ी, बस
क्या बात है, इतनी सेक्सी कार पार्क करी है ना, क्या बताओ। नमस्ते अंकल, काय झाला रे, काय करतो, काय करतोस? मैं सीख रहा हूँ मराठी बोलने। आंटी गाने बंद कर दो। अरे नमस्ते मैडम, मैडम पूछ रही है आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जिंदगी अच्छी चल रही है। आप कोई भी सीट ले लीजिए, मैं अभी आती हूँ ऑर्डर लेने। ओके दीदी। गानों से दूर लेता हूँ सीट। ये बर्गर मेरे को दे दो, मेरे को दे दे प्लीज, ये बर्गर मुझे दे दे, ये बर्गर मुझे दे दे। भाव क्या कह रही है शेमड़ी, इधर बैठ के खाऊंगा मैं। ऑर्डर लो। गुड इवनिंग, मेरा नाम बारबरा है, क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं? हाँ बारबरा, चीज बर्गर विद फ्राइज, ग्रिल्ड चीज सैंडविच विद अनियन रिंग्स, या फिर मीट बॉल सब विद चिकन नगेट्स। वैसे तो मैं रियल लाइफ में वेजिटेरियन हूं, बट गेम में चिकन खाएगा हम। वेरी वेल, वुड यू लाइक टू ड्रिंक एनीथिंग, लार्ज कोक, कॉफी या स्ट्रॉबेरी स्लश? जिंदगी में मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ, लेकिन कोक कम पीनी चाहिए, तो स्ट्रॉबेरी स्लश ले आओ। परफेक्ट, क्या आप कुछ और लेंगे? इतना ही पैसा है, दैट इज ऑल। ठीक है, मैं आपका खाना अभी लेकर आती हूँ, अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ओके बाय बाय बारबरा। मुझे ये आदत है सुसु करने की खाना खाने से पहले, बड़ी बुरी आदत है, अच्छी आदत है, मैं भी करता हूँ। सुसु करना ज़रूरी है खाना खाने से पहले। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पेशाब कर लेते हैं। आ हा हा, क्या बात है, एकदम निशाने में है बिल्कुल, एंटा सही है। अरे बस कितना सुसु करेगा भाई, का सुसु खत्म ही नहीं हो रहा था। हाथ धोले भाई। अरे वाह, हाथ भी धो लिए, क्या बात है। हाँ अब बैठ जाता हूँ खाना खाने। सुसु करने के बाद खाने के लिए तैयार हैं हम। हेलो दीदी, खाना नहीं आया। दीदी आ गई ओ, ले आई, यम 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 यम। बड़ी जल्दी खाना बना दिया, मैं 2 मिनट में सुसु करके आ गया, अगली ने 2 मिनट में खाना भी तैयार कर दिया है। ओहो मोहतरमा, और वाह 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 क्या खा रहे हैं। इस गेम के विजुअल्स बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, बिल्कुल ऐसा पुराने जमाने वाली वाइब्स। और यहाँ पर गेम में मीट खाते हुए, जिंदगी में तो नहीं खाया है हमने कभी सच में। आहा हा, स्लर्पी भी पी ली हमने, क्या बात है। केला नेल्सन का केला, सॉरी केला नेल्सन नाम भी ऐसा टंग ट्विस्टर है, जैसे चिकना ट्रिगू टंग ट्विस्टर है ना, मेरे मुंह से हमेशा ट्रिगना चिकू निकल जाता है, वैसे ही केला नेल्सन। तो कैसा लगा? मैं यहीं पर हूं और खाना तो बहुत अच्छा है। खाना खा लिया ना, अब क्या डिप्स भी खाएगा? आगे आगे आगे, आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है। क्या आप और कुछ करना चाहेंगे या फिर मैं बिल ले आऊं? बिल ले आओ। ठीक है मैं आती हूँ, बाय बाय। इतने में केला नेल्सन का मैसेज है, बोला था तुम्हें खाना अच्छा होगा। इस खाने से मुझे याद आया, यू शुड सेंड मी दैट कैसे रोल रेसिपी यू वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, आई माइट गेट अ चांस टू इमर्स माई सेल्फ इन द आर्ट ऑफ द क्विजीन इन द न्यू लुकआउट। ओ आ गई आ गई। टोटल हुआ है $7.6। $7.6 पैसे दो और 50% टिप। 7.6 का आधा होता है 3.8, सही बोला ना? आई थिंक सही बोला, कंफर्म कर लें। हाँ 3.8 ही होता है, तो $3.8 टिप भी दूँ तो मतलब इसको मैं ऑलमोस्ट $11 दूँ। चल ले ले यार तू। बारबरा खुश हो गई, थैंक्स फॉर द टिप। तो चल अब ज़्यादा टिप दिया है, अब पट जा। ए ए ए सुनना प्लीज,
मैं खाने के लिए अभी टेबल पर आती हूँ। अरे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, यहाँ पे बहुत शांति है, ऐसा क्यों है? तो उसने बोला, एवर सिंस द हाईवे बाईपास्ड दिस टाउन थिंग्स हैव बीन प्रीटी स्लो। बहुत बुरी बात है। क्या आपको कोई और हेल्प चाहिए? चल बैक। मैं तो पूछना चाहता था पटोगी, बट पटी ही नहीं। तो खाना खाकर निकल आए हैं हम। ये है हमारी आरवी बस। अच्छा, इधर से ही चढ़ना पड़ेगा। रियलिस्टिक बनाई है, अच्छे हैं। दरवाज़ा बंद करते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं। ये तो हॉर्न बज रहा है, गाड़ी ऑन नहीं होगी। हाँ हो गई। म्यूजिक नहीं सुनना है, एक्चुअली सुन भी सकते हैं। कौन है बे पीछे? टक्कर हुई। अगर इस गाने पे कॉपीराइट आया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओहो, 8:02 रात के। क्या बात है। और यूं ही अपनी जिंदगी एंजॉय करते करते घने जंगलों के बीच से निकल रहे हैं, गाने सुनते सुनते। क्या बात है। I want to include the location of this park. गाने बंद कर दें। But I do not want anyone seeking out the utter horrors I have seen in these woods. इन जंगलों में जो मेरे साथ भूतिया पनती हुई है, मैं नहीं चाहता कोई और उसके बारे में जाने। मैं बताना नहीं चाहता किसी को। I drove past the trail at first. हैं? हैं? ट्रेल? What is trail? Okay. Iron Bark State Park. Welcome Gate D. अच्छा, गोल्ड क्रीक ट्रेल। ओ, इधर जाना है मेरे को। ओके ओके, समझा समझा। बैठ जाओ, गाड़ी चलाओ। ओ, ए ए ए ए ए, टक्कर नहीं मारनी, टक्कर नहीं मारनी, आराम से। Do not enter लिखा है, पर मैं तो enter करने लगा हूँ। I drove my RV onto the foot rail. Oh shit. अब? अरे अटक गई। Shit. Oh no. अब? चल जा। चल जा। ये तो आगे जा ही नहीं रही, ना पीछे जा रही है, तो अटक गई। गड़बड़ हो गई साहेब, का कर दिए हम। अरे सही तो है, कहीं पे भी तो नहीं चढ़ाई। एमी, नमस्कार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे भाई, आपने तो हमको डरा ही दिया, हमको तो लगा आप उनमें से हैं। अरे पागल, तूने मुझे डराया है, मैंने नहीं तुझे डराया। उनमें से? किन में से? भगवान तुम पर मर्सी करे। आए, एनीवेज, क्या मैं तुम्हारा परमिट देख सकता हूं? तुम बिल्ली हो ना? मैं नया ट्रांसफर हूं यहां पे, इज दैट करेक्ट? अच्छा, हमको तो लगा था वो हायर ही नहीं कर रहे। ओ, पीछे कोई बंदा है, पीछे कोई बंदा है। एनीवेज, एक सेकेंड, मुझे चेक करने दो। इस कथे ने जो मेरी टट्टी निकाली है ना, बाय गॉड। कर, तू चेक कर, तुम मेरे लिए। अबे मैं ये एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रहा था, इतनी स्टार्ट में ही जंप स्केयर दे देंगे ऐसा। तब ओह ओह, भाई भाई भाई, अरे भाई, यू आर गुड टू गो, यू आर स्टाफ्ड एट फायर टावर 11। ओके साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ सारी कन्फ्यूजन के लिए। मुझे लग रहा था वो टावर वुड बी लेफ्ट अनस्टाफ्ड फॉर द सीजन, बट ये रही चाबियां। दे दो भाई चाबी, दे दो। लेट मी ओपन द ट्रेल गेट फॉर यू। ओके जी। अरे ऐसे दरवाजे के आर पार निकल गया।
तो अब मैं अपनी आरवी में आऊं या पैदल आऊं? ये भी खोलना, क्योंकि तुम इतनी लेट आ रहे हो, तुम्हें शायद इस फ्लैशलाइट की भी जरूरत पड़ेगी फॉर द लॉन्ग हाइक टू योर लुकआउट। ओके, थैंक यू बिल्ली, बी केयरफुल। दे दी भाई ने फ्लैशलाइट। वेलकम टू आयरन बार्क पैल। नाउ फॉर आर पर्पसेस, जब तुम वहां टावर पे पहुंचो तो मेक श्योर पहले वेदर रिपोर्ट, हाँ मेक श्योर टू मेक योर वेदर रिपोर्ट, हाँ पहले वेदर रिपोर्ट बना लेना फ्रॉम योर सिस्टम, जस्ट सो वी नो कि तुम आ गए हो सेफली। ओके, इफ नीड बी यू कैन रीच टू टावर 11 ड्यूरिंग योर स्टाफिंग। नाइस गाय, नाइस इनफ गाय। ओके ओके, ही विल बी योर क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। हैव अ गुड डे बिल्ली। जी से फ्लैश लाइट। वह क्या कर रहे हे? एक एडवाइस, डोंट ट्रैवल एनी फर्दर देन हाफ अ माइल और सो नॉर्थ ऑफ योर टावर। अपने टावर से आधा माइल से ज्यादा दूर मत जाना। क्यों? खतरनाक जंगल है रे बाबा। ठीक है भाई, बिल्लियां हैं, भालू हैं, खतरनाक है। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने अपनी टॉर्च गलती से फेंक दी। ओके, आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू स्केयर मी। हाँ भाई, यार मेरे को अपनी ट्रक लेके नहीं जाना चाहिए था, मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ? टावर नंबर 11 पे जाना है। फुट ट्रेल्स, नो बाइक्स ओनली हॉर्सेस। अच्छा, तो गाड़ी तो जा ही नहीं सकती। आई लेफ्ट माई बैग इन दी आरवी। अरे तो गधे आदमी, पहले लेनी थी। एक तो म्यूजिक भी ऐसा बजा रखे जैसे अभी कोई सीरियल किलर आके मारेगा मेरे को। बैग कहाँ है मेरा? अजीब था भाई, अजीब है। अरे क्या नाम था इस बंदे का? बॉब भाई, बॉब भाई, बॉब ही नाम था ना, जो भी नाम था। अरे ठीक है ठीक है, चलते हैं सीधा। अंधेरा ज्यादा है। ओ ओ ओ, कोई है इधर। भाई भाई भाई, सीधा। 11:32। काफी लंबी हाइक थी और काफी ठंड होने लग गई थी। टावर नंबर 11 सामने। फ्रीक्वेंसी टावर 11। भाई साहब, ऐसी जगहों पे तो भूतिया पंती ही होगी, और क्या होगा? अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब ऐसी जगह पे वो काम करता था इंसान। होली शिट भाई। भाई 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 भाई, बहुत ही पारिवारिक माहौल है। तेज भागता हूं। टावर नंबर 11 इधर, लेसी ट्रेल 3.2 माइल इधर, टावर 11 इधर, वो रहा मेरा टावर सामने। फायर टावर में रहना एक ग्लैमरस जॉब नहीं है। इमेजिन करो, यहां पर हफ्तों ही हफ्तों अकेले रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। सही बात है। यूटिलिटी शैक इस तरफ है, सुसू पॉटी के लिए घेरा। यहाँ पे सुसू करना है, ले कर ले। अरे थोड़ा सा सुसू कर ले। अच्छा, सारा तो निकाला है आप कहाँ कर? ओके, जनरेटर नीचे है, मेरे को याद रखना पड़ेगा शायद। यार पिकनिक विकनिक करने तक के लिए तो ठीक है, यहाँ पे जॉब करना, भाई हैट्स ऑफ है भाई, जो लोग एक्चुअली काम करते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा टावर की? हाँ मैं चढ़ ही रहा हूँ अभी तक। बताओ भाई, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस जंगल ही जंगल। वो सामने दूसरा टावर जिसमें कोई और बंदा, वो उधर भी एक टावर। जब तुम टॉप पे पहुंच जाते हो, तुम्हारा काम है टू लुक फॉर फायर्स। अच्छा, फॉरगॉट टू टर्न ऑन द जनरेटर। अरे यार मैं उस वक्त बोल भी रहा था ना। पहले एक मिनट, बैग यहां रख देते हैं। I was finally in my new home for the next few months.
पहले जनरेटर में नीचे देखा भी था, तभी ऑन करके आना था। कर दिया जनरेटर ऑन कर दिया, अब चलो चले ऊपर अपने कमरे में, ऊपर अपने कमरे में। आहा क्या बात है, आयरन बार्क फायर डिपार्टमेंट, सबको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइट्स आउट आफ्टर 12 बजे, 12 बजे के बाद लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी। ओके, सप्लाई ड्रॉप्स हर संडे को दिए जाते हैं, कोई गेस्ट अलाउड नहीं है। सिस्टम पासवर्ड इज आयरन बार्क और आगे टावर का नंबर आयरन बार्क 11। ठीक है, जनरेटर को रेगुलरली रिफ्यूल करना पड़ेगा। अपडेट द रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर रूटीनली, नो वीडियो गेम्स इन द सिस्टम। अच्छे हैं, रिमेंबर टू कॉल योर सिस्टर स्टेशन बिफोर यू स्लीप। ये मैंने क्या किया पता नहीं क्या किया, बट रख देते हैं। उसने वेदर रिपोर्ट सबमिट करने को बोला था ना, कुछ ऐसा सही। वेदर रिपोर्ट तो पीसी पे सबमिट होगी, इस पे बैठ के। रेडियो इक्विपमेंट वॉज सिटिंग ऑन अ वुडन टेबल, हाँ ये दिख रहा है। अच्छा आई हाँ, स्टार्टिंग रेनबो 98, पासवर्ड है आयरन बार्क 11। क्या बात है, हो गया लॉगिन। विंडोज 98 का रेनबो 98 कर दिया। हेलो देयर, इट इज स्माइली योर ट्रस्टी वर्चुअल असिस्टेंट हेयर टू हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर टुडे। ओके भाई, हाउ कैन आई मेक योर डे बेटर। वेदर रिपोर्टिंग ये है। वेलकम टू द, आए आए, मेरा नाम जैक है। आप कौन हो वैसे? ओके कॉनर, आप देख रहे थे? इस पैराडाइज में तुम क्यों आए हो? मैं बस एक चेंज चाहता था, मैं बहुत थक गया था। हाँ मेरे को जिंदगी में चेंज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली। ओ कह रहा है आग लगाओ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, स्टॉर्म आने वाली है। तो फायर कहाँ लगानी है? उसने बोला ना आग लगाओ, फायर लगाओ, कुछ तो बोला ऐसा था। या अच्छा, अरे कर रहा हूँ भाई, डरा क्यों रहे? ये माचिस ली और ए ए ए चला। यही तो करना है। आग क्यों नहीं लग रही? पर उसके अंदर कोई लकड़ी होगी तो आग लगेगी ना। आए एक सेकंड, कोई लकड़ी किसी चीज पे ही आग लगेगी, ऐसे तो जलेगा नहीं। अरे क्यों पीपी बज रहा है? देयर इज नो फायरवुड ऑब्वियसली। मार्ली कौन है? जो तुमसे पहले था उसने शैक में लकड़ी रखी हुई है, वो कह रहा है।
शैक के अंदर लकड़ी रखी हुई है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, शैक से फायरवुड और स्टोरेज शैक से गैसोलीन। गैसोलीन तो ये रहा, हाँ ये तो है। सो जाऊं क्या? आग का क्या ही करूं यार, पर अब बोला है कि आग जलाओ तो आग जलानी पड़ेगी। आई थिंक वो है ना सामने स्टोरेज शैक। ये री लकड़ी उठा ले, अरे उठा ले लकड़ी, मिल गई। जी टू थ्रो लेफ्ट से प्लेस। एक ही लकड़ी उठाएगा। माचिस और गैसोलीन तो ऊपर पड़ी है। चलो लकड़ी लेके चलेंगे ऊपर। हा 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 हा, ला 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 ला, मैं जलाऊंगा आग बिकॉज ठंड बहुत है। इसे बंद कर लेते हैं। और कहाँ जलानी थी लकड़ी? यहाँ पे, इधर रखी, इस पे डाला गैसोलीन। अरे इसको फेंकते हैं, जल गई। आहा, थैंक यू, आई हैव डन इट। मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या तुमने रिपोर्ट करी रात की? अरे पर रिपोर्ट करना कहाँ है? एक्चुअली टॉर्च हाथ में रख लेते हैं, कभी नहीं पता जरूरत पड़ जाए। ए बस बहुत गाने सुन लिए, रिपोर्ट यहीं तो करना होगा ना। नो लेट मी गेट टू इट। ठीक है भाई, समझ गया समझ गया। रिपोर्ट ही तो कर रहा हूँ, सर्विस रिपोर्टिंग। हाँ टेम्परेचर, अब मुझे क्या पता कितना टेम्परेचर है। -69 डिग्री, ये तो फ़ारेनहाइट में है। चलो कोई नहीं। और विंड स्पीड है 69,420,000 XYZ, ये विंड की स्पीड है। और नंबर ऑफ हाइकर्स असिस्टेड, आज मैंने कितने हाइकर्स की हेल्प करी? अभी तो आया हूँ मैं साले, 0 हो गया। रिपोर्टेड बाय, मारा नाम है, क्या नाम बताया था स्टार्ट, मैं कुछ भी रख देता हूँ, बबलू पचरीसिया, समथिंग डिड नॉट लुक राइट। अच्छा 1 2 3, अभी भी नहीं। -92, अरे मुझे क्या पता टेम्परेचर कितना है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वेलकम टू आयरनबार्क स्टेट पार्क। अच्छा इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन लेट मी बी द फर्स्ट टू से कांग्रेचुलेशंस। ऐसे कौन कांग्रेट्स बोलता है? यू आर कमिशन्ड बाय द आयरनबार्क फायर डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस पार्क्स इन द स्टेट ऑफ वाशिंगटन। अच्छा established in 1897, we've been known as one of the safest parks in America. Achha. We hope you can keep it that way for many years to come. Ji. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. Okay. You've been selected as one of our fire lookout observers. Ji. This is a truly rewarding job which requires many hours of hard work. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. ये सब पता है। And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. ठीक है। Fire isn't going to be noticeable all of the time. So also keep watch for smoke. Make sure smoke to know looks like the this. Smoke is, it may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. ठीक है। Keep records of daily temperature. हाँ वो कैसे करना है? When the temperature rises, it is best that we have those recorded. The science nerds at the Panoramic Preservation Society require us to note all changes in temperature. We think it's best not to get into a lawsuit.
keep records of daily wind speed. ये सब कहाँ से करना है? Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. अच्छा. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service repeat to it. Keep always listen to authority. Do not hesitate to dial 911. ठीक है. That is to uphold. We hope that you. चल चुप कर. समझ गया. देखो यहाँ पे वो एक डिवाइस था ना. हाँ, ये इसको लेके ऐसा बाहर जाता है मैं तो ये विंड की स्पीड आ जाएगी. अब 17 knots. हाँ, 17 knots विंड की स्पीड आ गई. और टेम्परेचर के लिए अच्छा ये लगा हुआ है 45.8 degrees. समझ गया क्या बात है. सर्विस रिपोर्टिंग. अब मेरे को सब पता है. 45.8 degree Fahrenheit और विंड स्पीड है 17 knots. आई wasn't sure if I had put in the right weather conditions. वेदर तो क्लियर सा ही है. ये हाँ जी हेलो बोलो. ठीक है भाई. गुड नाइट कॉर्नर. चलिए भाई हमारा काम हो गया है आज का. बहुत मेहनत करी भाई. टावर वावर. गुड नाइट. हो बड़ा हेक्टिक जॉब है भाई मेरा. 3:26 AM. अजीब अजीब सी आवाजें आती हुए. समझ तो नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं. मुझे सुसु करना था. हाँ करेंगे पहले टॉर्च यूज करके. आई हैड टू पी. सुसु करने के लिए मूत्रालय तो नीचे जाना पड़ेगा. ऑन माई फर्स्ट नाइट बींग आउट ऑफ माई कैबिन इट गेव मी अ स्ट्रेंज फीलिंग. स्पेस से सुसु यहीं पे. ऐसे ही ऊपर से पिचकारी चला रहा है भाई. हे भगवान. हे भगवान. मैं तो नीचे इसको वॉशरूम लेके जा रहा था. भाई ने यहां से खड़े खड़े पिचकारी चला दी भाई. अरे हाँ आ रहा हूं भाई आ रहा हूं. क्या हो गया. कॉनर क्या तुम हो. कॉनर ओके एक सेकंड. कोई आसपास तो नहीं है. मैं सो ही जाता हूं. एक्चुअली सो ही जाता हूं क्योंकि डर लगता है. रात दूसरी. आहा कितना सुंदर नजारा है. वाओ आहा यहां बैठ के इस नजारे के साथ कॉफी पीना. ओहो अति उत्तम. गाने बज रहे हैं. फोटो खींचो. ये लीजिए. क्या बात है. बड़ी ही सुंदर फोटो. और फिर से कॉफी पियो. मेरी तरह कॉफी पी रहा है. मैं भी ऐसे पीता हूँ. एक सिप पीते फिर फिर से फोटो लूँ. इस बार नदी की फोटो लेते हैं. पहाड़ की लेनी है क्या. अपना जॉब भी कर लेते हैं. कहीं देख लेते हैं आग तो नहीं लगी हुई. नहीं सब सही है. तो उठ जाते हैं. कॉफी के मग को ऐसे ही फेंक देते हैं.
भाई ये ऐसे क्यों पलटता है भाई, डर लग जाता है। हाँ जी साहब। हाँ भाई बोल ना। हाँ बोलो। कॉपी दैट कॉर्नर, क्या हुआ है? अच्छा हमको गाली नहीं दे रहा है, गाली दे रहा है। स्मोक कहाँ है? स्मोक, द स्मोक वॉज वाइट इंडिकेटिव ऑफ अ कैंप फायर। कहाँ है? ओ वो रही। दिखी दिखी भाई, दिखी दिखी। हाँ हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। वहाँ आग लगी है। यस। ओ वहाँ पे कोई कैंपिंग कर रहा है। फिर अब? मैं जाके चेक करूँ? ओके मैं जा रहा हूँ नॉर्थ, आई विल रिपोर्ट बैक ऑन इट। यस, डू यू हैव एनी अदर डिटेल? ओके जाता हूँ। ठीक है भाई, सही कह रहे हो, बेयर स्प्रे आई मीन पेपर स्प्रे लेके जाना है। ओवर एंड आउट। उठो भाई, देखो क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले टॉर्च लेके जानी है, बायनोक्यूल, अरे पर ये तो इससे ज़्यादा लेके जा ही नहीं पाएगा, और बियर स्प्रे यहाँ पड़ी थी, यही है ना बियर वाली स्प्रे? हाँ बियर स्प्रे। चलिए भाई, उफ बड़ी हेक्टिक जॉब है, उधर जाना है हमें। आग कहाँ थी? मैं तो भूल भी गया आग किस साइड लगी थी। आए बैंगन, अरे कहीं तो दिख रही होगी आग कहाँ लगी है। मैं इधर होगी पक्का। आई वॉज ऑन द रॉन्ग ट्रेल। हाँ इधर नहीं जाना है, मतलब उधर ही जाना था, इसके अलावा तो रास्ता ही नहीं है, तो कोई इधर तो जाएगा नहीं रास्ते के बाहर। हाँ नहीं जाएगा ना, तो बस यही एक रास्ता है, इधर ही जाना होगा। सी आई एम सो क्लेवर, मैं समझ गया था कहाँ जाना है। अब इधर ही होगा। आई वॉज ऑन द रॉन्ग ट्रेल। हाँ हाँ कोई नहीं, तो इधर होगा। भालू है इस एरिया में, संभल के रहिएगा। ओ शिट। 8:37 रात के, मैं उस ट्रेल को फॉलो करते हुए यहां तो पहुंच गया जहां से मुझे स्मोक दिखी थी, लेकिन अब मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है। व्हाट? कोई चीखा। अरे अरे ये क्यों आ रहा है? केला नेल्सन के इतने मैसेज क्यों आ गए? सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा नेटवर्क अभी अभी आया है, ये पहले नेटवर्क नहीं था, सुबह के मैसेजेस आए 7 बजे के, देख रहे हो? ओके देख रहे हो, ये ऐसे बेवकूफ होते हैं, कैंपिंग करने आते हैं ये, यहाँ पे ये आग लगा के चले गए। अब वो एक एक ऐसा फ्लेम भी जाके किसी पेड़ पे लग गई ना, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है, गधे कहीं के। कौन है? कोई तो है, सीटियां मार रहा था। ओ हेलो, सामने आ, सामने आ कुत्ते, मैं गोली मार दूंगा, आई मीन पेपर स्प्रे मार दूंगा, बियर स्प्रे। कोई बोला नहीं कुछ। अब ये तो एरिया भी बंद है, आगे जा नहीं सकता। इसको तो बुझा दूं मैं, अब मैं इसको बुझाऊं कैसे?
बुझाने के लिए पानी भी तो ये पानी है। पानी ये नहीं फेंकता, ये गलत फेंक दी। पानी पानी ये पानी है। अच्छा इसमें पानी लेके आना पड़ेगा। अब पानी कहाँ से लाऊं? ये इधर रिवर है क्या सामने? ओ या इट इज। ये बाल्टी में पानी भरा हमने और ये आग को शुम बुझा दी। हट। अब बस हो गया काम मेरा, वापस जाऊं या एक बार चेक करूं यहां सीटिया कौन मार रहा था? ए कौन था बे? ए जो भी था चला गया। कोई सुराग नहीं है यहां पे, लगता है अब हमको वापस जाना चाहिए। कैंपिंग करके गए हो, कम से कम आग तो बुझा लेते। अरे कोई भालू वालू ही ना आ जाए भाई। ए भालू पेपर स्प्रे है मेरे पास, मार दूंगा। भालू सामने आ, भालू भाग भाई भाग। सच में भालू आ गया तो पेपर स्प्रे से क्या होगा। रात के 9:07, जैसे ही मैं अपने टावर के पास जा रहा था, मैं इस बात से अपने आप को यकीन नहीं दिलवा पा रहा था। मुझे लग रहा था कुछ गलत हुआ है, समथिंग वॉज टेरिबली रॉन्ग। मेरा दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि क्या हुआ है, क्या हुआ है भैया। सब ठीक है, सब ठीक है, अब चुपचाप घर चल भाई। ला 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 ला। ओ लकड़ी ले आते हैं एक पहले ही। मैं तो यार ऐसे हाथ में पेपर स्प्रे भी है तो लेके तो मैं जा नहीं पाऊंगा, पर अगर रात को आग लगानी होती है उसके लिए लकड़ी तो चाहिए ही है। व्हाटएवर। ओए ओए ये सारी खिड़कियां क्यों खुली हुई है? ये तो मैं बंद नहीं कर रखी थी। कौन है? शो योरसेल्फ। ये ऐसा गंदा तो नहीं था। मुझे कॉर्नर को रिपोर्ट करना पड़ेगा वेकेंट साइट के बारे में। ओके भैया। कॉर्नर, कॉर्नर डू यू कॉपी? हेलो कॉर्नर डू यू कॉपी? मैं गया कैंप साइट पे, कोई था नहीं। यस। हु आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये होता रहता है यहाँ पे? तीसरी बार महीने में। ओह माय गॉड। नथिंग रियली। मेंशन द स्क्रीम। करूँ मेंशन? आई मीन उसको मैं बताऊंगा वहां पे कोई चीख रहा था। हम कर दू? नहीं कर, छोड़ कुछ नहीं बता। तीन बच्चों के गायब होने की वजह से वहां पे काफी सारे कैंपर्स आते हैं। हैं? तीन बच्चे गायब हो गए? बट उससे कैंपर्स का क्या लेना देना है? People have started spreading rumors that the area might be haunted by some entities. It's crazy, I know. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been the opposite.
अच्छा, अब लोगों को लग रहा है ये भूतिया जगह है क्योंकि तीन बच्चे गायब हो गए थे इसलिए वो और ज्यादा आ रहे हैं। Sometimes, I only wish they were true. क्यों भाई, पागल है क्या? Well, at least now you know why Mitch had to staff Tower 11 urgently. काफी डरावनी बात है भाई। I hope you don't believe those rumors. Do you? अरे ना ना, बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गया। बता दियो मुझे जो भी होगा, ओवर एंड आउट। अबे यार, हो गया ना आज का समाप्त। अच्छा नहीं, अभी वो बच रहा होगा, कहाँ है, आग लगाना तो रहने ही देते हैं। ये उठाते हैं, केला नेल्सन का मैसेज आ रहा है। नेटवर्क नहीं है, पिज्ज़ा पास्ता की रेसिपी भेजी है उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर से 17 और टेम्परेचर है 47.4। करना पड़ेगा ना ये सर्विस रिपोर्टिंग। देखो मैं अपना काम को लेके बहुत वो हूँ। 47.4 17 क्लाउड आज भी क्लियर ही है। नंबर ऑफ हाइकर्स असिस्टेड 1 रिपोर्टेड बाय बबलू पचरीसिया। वेदर कंडीशन गलत डाली है क्यों भाई? 47.4 अच्छा वेदर कंडीशन ओके, विंडी डाल देता हूँ। नहीं ये भी नहीं है, क्लाउड क्लाउडी है, सही है। क्या बात है, मेरा नाम क्या है? बबलू पचरीसिया। 9 बजे रिपोर्ट कर दिया, लेट्स गो। चलिए भाई, बहुत मेहनत कर ली, अब सोने का वक्त। आई वॉज टू हंग्री टू गो टू बेड विदाउट फूड। अरे भाई अब खाने में क्या खाएं, मैकरोनी खा ले भाई। आई हैड अ फीलिंग इट वॉज स्टिल मिसिंग समथिंग। इसमें से तो कुछ नहीं डलेगा ना। अनकुक पास्ता ये सब डालना पड़ेगा। अरे यार क्या क्या है इसमें? अनकुक पास्ता मैंने रख लिया, मैरिनारा सॉस, पेपरोनी, मोज़रेला चीज, मैरिनारा सॉस। हाँ ये तो कुछ नहीं लग रहा इनमें से। भाई साहब कौन सी सॉस डालूं, मेरे को तो नहीं पता, खाना बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं ना। कुछ भी डाल देता हूं, जो ये डिशवॉशर डाल देता हूं, नहीं डाल रहा। इनमें से कुछ डालना होगा। ला 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 ला, कुछ नहीं उठा रहा। अरे उसे उठा तो सही, नहीं उठा रहा क्या? कुछ तो डाल के ही मानूंगा। अब यहाँ तो ये सब जो लिखा हुआ है, टोमेटो चीज़ पेपरोनी मैरिनारा सॉस, ये सब कहाँ से लाऊँ मैं? ये सब तो है ही नहीं। पेपर स्प्रे डाल लेता हूँ, बेस्ट है। आई वॉजंट श्योर दैट ये नहीं जाएगा इसमें। ओ फ्रिज में है ये सब कुछ। मोज़रेला है ना इसमें? हाँ मोज़रेला है, डाल दिया। ये क्या है, ये जाएगा इसमें? ये नहीं जाएगा। सब कुछ डाल के चेक कर लूँगा। पेपरोनी तो जाएगी। हाँ और क्या जाएगा? डाइस्ड टोमेटो, ये है क्या? मैरिनारा। भाई मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कहाँ से क्या निकालूँ। ये क्या है? डाइस टोमेटो, हो गया। अब सब बन गया, ये खोल, ये इसमें रख। हाँ भाई इधर ही हूँ। अरे हाँ बोलना, क्या हो गया, क्या हुआ?
ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, सो जा भाई, सो जा। पीस एंड आउट कॉर्नर। ओवर एंड आउट। चलो भाई, बन गया भाई खाना। ओह वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, मचा आ गया। नम 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 नम, भूख लग गई यार। बाय गॉड, ये देख के भूख लग रही है। और रात के ढाई कितने, 2:03 हो रहे हैं, ढाई नहीं 2:03 हो रहे हैं, चेक कर लूँ मैं। और सच में यार 2:03 ही हो रहे हैं, 2:03 रात के, इतनी लेट रात को ऐसी चीज़ें दिखा के बेचारे बच्चे को चिढ़ाते हो। आई वॉज ऑलरेडी फुल। अरे तो इतना सारा बनाया क्यों था, बाकी कल खाऊंगा। फ्रिज में रखो। अब तेरे पास फ्रिज भी है इतनी सी जगह में? अच्छा ये रहना, ठीक है भाई, अब सो जा, अब तो सो ही जा। अब ये भी जलाना है क्योंकि रात को बहुत ज्यादा ठंडी होती है। रुक जाओ रुक जाओ, टॉर्च लेके भाग के चले तेज तेज। बुर्रा सुई जुपिटुपी जुपिटुपी बंपर जुपिटुपी परंपरा जुपिटुपी जुपिटुपी नाचे। लकड़ी कहाँ थी? अच्छा इधर से। बट वो तो बहुत सही था जो मैंने गेम को एकदम ऐसा ग्लिच कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को लगा भाई पूरी गेम फिर से खेलनी पड़ेगी। जुपिटुपी जुपिटुपी बंपारा जुपिटुपी परंपरा जुपिटुपी जुपिटुपी नाचे क्यों पागल इस स्टूपिड माइंड जुपिटुपी जुपिटुपी नाचे क्यों पागल इस क्यूपिड टुपली पपा पपला बैम पैम 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 पैम। कहाँ था कहाँ था कहाँ था? ये था, ये बूम, ये नहीं पहले ये बैम। बैम 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 बैम। ओय ओय ओय, बैम बैम एंड बैम एंड बैम एंड बैम। अरे बाहर के बोर्ड भी बंद करने अगले को, ये तो खोले ही क्यों थे। बंद हो जाओ बंद हो जाओ बंद हो जाओ बंद हो जाओ बंद हो जाओ। वो वाला बोर्ड यहां से बंद नहीं होगा, घूम के जाओ अब पूरा। ऑफ कोर्स टॉर्च कहाँ है? अरे टॉर्च कहाँ फेंक दी? ओके बैम बैम बैम। आई हैव ऑलवेज को क्लोज द बोर्ड। कौन सा बोर्ड खुला हुआ है? सारे तो बंद कर दिए। हाँ भाई तू ऊपर रह गया था भाई। आई ऑलवेज लाइक टू क्लोज ऑल द बोर्ड। हाँ अभी लाइट ऑफ कर देता हूँ, सोना है ना, बच्ची भी बुझा लेता हूँ। फाइनली बहुत मेहनत तो भाई यही है असली। 2:27 रात के। ओ शिट, टॉर्च कोई है बाहर? टॉर्च कहाँ है? टॉर्च टॉर्च कहाँ रखता था ये? देखूं जाके? रुक जाओ, बियर स्प्रे कहाँ है? वो कोई है इधर? व्हाट? ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या मतलब समझू। द ओनली लॉजिकल थिंग दैट आई कुड डू वॉज कॉन्टैक्ट कॉर्नर। हाँ भाई कॉर्नर को बात कर भाई, कॉर्नर से बात कर। ये भाई कॉर्नर कॉर्नर सुन, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर।
हाँ भाई रात के 3:15 हो रहे हैं, पर सुन तो सही। नहीं अरे बाहर बकरी का मुंह पड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक दीज आर किड्स मिसिंग अराउंड, पर हाँ मेरे को नहीं लग रहा ये प्रैंक है। भाई ये तो कोई रिचुअल लग रहा है, ये सीरियस है, तुझे समझ आ रहा है? अरे तू गधा है क्या? ओके ओके अरे भाई ये तो सीरियस ही नहीं लिया हमको। मैं जाके चेक करके आऊं यार? नहीं यार, दरवाजा बंद करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और सो जाते हैं। बेस्ट है, सो जाते हैं, सो जाएंगे तो भूत भूत कोई है भी तो पता नहीं चलेगा। बेस्ट है। थर्ड नाइट, अरे बाप रे जिंदा रह लिए हम दूसरी नाइट। नेक्स्ट डे मैं उठा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात कुछ हुआ, वो एक सपना था या ड्रीम था? सपना या था या ड्रीम था, नहीं रियल था या सपना था? कॉनर ने बोला कि कोई हार्मलेस प्रैंक होगा बच्चों का, बट कुछ ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डार्क है। देर इज समथिंग स्ट्रेंज जो इन जंगलों में हो रहा है। 8:34 रात के। I occupied most of my days either with the simple maintenance in and around the tower or by scanning the densities of trees all around me. बहुत पेड़ हैं, नजर क्या आ रहा है? अच्छा सफाई भी उसकी करूं मैं अब खुद ही। ओ फ्लेयर गन चलाई किसी ने। फ्लेयर गन चलाया भाई कोई? फ्लेयर गन। हेलो कॉनर सुन भाई। Can anyone hear me? हाँ कि हुआ क्या है? Okay. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Oh. I think I'm lost. So can you describe your clothing? What is your current location? I'm wearing a red jacket, camo pants and a green backpack. Red jacket, camo pants or green backpack. Tere paas kya kya hai? I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun and some of my camping equipment. Teri current location? Okay. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. मैं आ रहा हूँ, रो मत। Light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Okay. I remember passing a small stream earlier. ठीक है। I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came here. अच्छा। Oh, thank goodness, I see it. See what? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? अब मैं इसको गलत बोल दूँ? Right जा। I'm going to be honest. I had my suspicions on the left trail, but if you say so, right one it is. Right जा. मर मत जाइयो बस। है क्या? कहां पे? I hear your whistles. मैं तो पर अपने टावर में हूँ, सीटी कौन बजा रहा है? I see you behind the trees to my right. You're freaking me out.
खोलू दरवाजा? ओ माय गॉड, मेरी फट गई थी तो. ओ माय गॉड, व्हाट वर यू अप टू? मैं क्या कर रहा था? मैं एक हाइकर को असिस्ट कर रहा था इतनी रात को, भगवान उसकी मदद करे. तुम्हारे सप्लाईज ये रहे, द यूजुअल एसेंशियल्स. ठीक है, सप्लाईज ले लेता हूँ भाई, मैं ले लेता हूँ, दे दे. अरे लेकिन उस बेचारे बंदे को मरवा दिया क्या मैंने? मैंने उसको बोला राइट चले आया, बिकॉज राइट इज ऑलवेज राइट. अब वो कह रहा है कोई सीटी मारता हो, अजीब आदमी आ गया मेरे सामने, वो मरवा दिया मैंने हाइकर को. What were you doing there last night? है? कहा? Up north. Why were you there? मैं? I wouldn't screw around there, pal. अरे मुझे बोला था कि campfire smoke को जाके check करूं. ओ भगवान मदद करे. वहां पे तो बहुत खतरनाक चीजें होती हैं दोस्त. है? अच्छा, बिल्ली और भालू. ओके. तुम careful रहो. ये जंगल नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीजें होती है कि तुम्हारा मन करेगा दैट है देयर दैट वुड लव टू गेट अ पीस ऑफ यू. अच्छा अच्छा अच्छा, देयर इज टफ आउट देयर दैट वुड लव टू गेट अ पीस ऑफ यू, मतलब तुम्हें मारना चाहेगा. नॉट टू मेंशन यू वुड बी क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम हेल्प इफ एनीथिंग हैपेंड. ओके ओके ओके. I have been hearing you've been a bit on the edge. सब कुछ ठीक है? बोल दूँ क्या कि कल देखा था? हाँ हाँ भाई हाँ. अब बोलना, चुप क्यों हो गया? देखा था कल एक स्कल. हे भगवान, क्या तुमने उसकी एक फोटो ली बिफोर उसको क्लीन अप किया? मैंने ऐसा सोचा नहीं. अच्छा है कि हम इसके बारे में ना सोचे. वी कैन डू एनीथिंग विदाउट द एविडेंस. ओ फिर अब. एनीवेज इट्स गेटिंग लेट, आई बेटर गेट गोइंग नाउ. जस्ट कीप अ वॉच. सप्लाईज के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त. बाय बाय. वो बंदा जिसको मैंने मरवा दिया है, एक मिनट. हेलो. नहीं भाई, पक्का मर गया. सो जा भाई, एक काम कर, किसी को मरवा दिया है अब सो जा. अभी बहुत भूख लग रही है भाई को, तो फ्रिज में पड़ा है ना कल का खाना, बेटा यही खाओ आज. आज यही मिलेगा तुमको. नोम 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 नोम. द फूड वॉज कोल्ड. अच्छा, अब इसको भाई को गर्म भी करना है. अच्छा, आप गरम इसमें करेगा. ओ, ओ अच्छा. इतनी देर में मैं टेम्परेचर देख लेता हूँ कितना है. टेम्परेचर है 54.2 और विंड है, कहाँ है वो डिवाइस, कहाँ है? इधर ही तो कहीं पड़ा होता था ये. 54.2 और 24 और क्लाउडी है. 54.2 और 24. चलिए 54.2 24 क्लाउडी 1 सबमिट. राइट वेदर कंडीशन नहीं है. क्लियर होगा फिर. मिस्ड होगी फिर. अच्छा, कोई भी नहीं है इनमें से, ना क्लाउडी है ना मिस्ड है ना क्लियर है, तो विंडी है. हाँ, रिपोर्ट सबमिटेड. थैंक यू. खाना भी तैयार हो गया है. बैम बैम, खाना लेते हैं, अपना आराम करते हैं बिस्तर पे बैठ के. नोम 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 नोम. पेट भर गया भाई. खाना खा लिया भाई. भाई भाई, गंदे बर्तनों में फेंक देते हैं इसको. पैम,
इसको बंद करते हैं। अब बोलेगा मेरे को ये शटर बंद करने हैं सोने से पहले। सारे बंद है ना शटर। और बैम बैम, बैम। अरे ओहो, पूरा घूम के आऊं मैं ये वाला शटर बंद करने। बैम बैम, सारे शटर। ये लाइट को क्या हो रहा है? ये बिस्तर पे जाते हैं और सो जाते हैं। आहा, अरे यार अभी लकड़ी डालना भूल गए भाई। मैं टॉर्च के बिना ही आ गया हूं। चलो चले जल्दी जल्दी लकड़ी ले लें। बैम। भाई तूने हार्ट अटैक दे दिया मेरे को। आई अंडरस्टैंड लोनलीनेस कैन मेक द माइंड प्ले ट्रिक्स ऑन यू। अबे तू है कौन? नाम डिसीविंग होते हैं, मुझे सिलास बताओ। अबे सिलास, मेरी जो फट गई है। अच्छा तू है कौन? नो नीड टू बी अलार्म्ड, मैं एक वर्कर हूँ। आई वॉज जस्ट डूइंग यूजुअल मेंटेनेंस ऑन द रेडियो टावर ओवर देयर। अच्छा दो, अच्छा धोनी थॉट आई वुड से हाय, द न्यू गाय एवरीवन्स बीन टॉकिंग अबाउट। अच्छा हाँ मैं ही हूँ वो। बहुत अच्छा, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो तू इतनी रात को ऐसे ही लोगों को डराता है? आई मीन यहीं पे काम करता है? हर संडे, जस्ट ट्राइंग टू कीप द कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन। अच्छा भाई, We must ensure that the right message reach the right places. Wouldn't you agree? Right, right. बिल्कुल बिल्कुल। Absolutely. But some fires are meant to burn and no amount of prevention can stop them. Nature has its own plans. Some things cannot be controlled. No matter कितनी भी कोशिश कर लो। And sometimes disasters are just another form of cleansing, a way for the land to purify itself. I think मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ भाई। तेरी बकवास नहीं सुननी मेरे को। गुड नाइट। Curiosity can lead to places you would rather not go. क्या येड़ा है ये? Farewell, Jack. मेरा नाम जैक है। अच्छा मैं तो बबलू पचेरीसिया लिख रहा हूँ। ये आदमी बहुत ही क्रीपी वाइब्स दे रहा है। एक सेकंड, इसको मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा कहाँ जा रहा है। अच्छा जंगल में चलता हुआ जा रहा है साला भूतिया आदमी। इतना डरा रहा था। चलो चलो भाई, चलो 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 ऊपर अंदर घर के, लकड़ी लगाएंगे और सो जाएंगे। वुहू वुहू वुहू। ये तेल कभी अंदर तो जाता नहीं है, सारा तो बाहर गिरता है। मैं हूँ भाई, यही हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं ही हूँ, इधर ही हूँ। आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। Yes, I am here. Finally. I've been trying to reach you for a while now. Where have you been? मैं नीचे गया था लकड़ी लेने। Exactly take ages to get just some firewood. Ran into who? रेडियो टावर वाला बंदा मिल गया था भाई। है रेडियो टावर वाले बंदे पे वो चुप क्यों हो गया? मतलब क्या? मतलब यैंक माय चेन? अबे सच बोल रहा हूँ। तो ये आदमी कौन था जिससे मैं मिला हूँ? ये तो कह रहा है वो बंदा ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए, पर मैं तो मिल के आया हूँ नीचे बंदे से।
तो मैं किससे बात करके आया हूँ? If what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. अबे प्रैंक, उसको मेरा नाम पता था जैक. Do your name. You think he's been listening? मुझे क्या पता? Disguising as a staff member is strictly forbidden according to park guidelines. Next time you see him, get his information or take a photo. We need to figure this out. ठीक है. चल ठीक है भाई, गुड नाइट. गुड नाइट भाई, गुड नाइट. सर ये तो कह रहा है वो आदमी ऐसा कोई है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो जाता हूँ, रात बहुत हो गई है, आधी रात में भूतिया चीजें भी तो होनी है. माई अनईज वॉज स्टार्टिंग टू ग्रो विथ ईच पासिंग डे. एक्सेंट के साथ बोलता हूँ. सो व्हेन आई साइंड ऑफ दैट नाइट, आई टोल्ड मायसेल्फ that it was just a change of environment that I needed getting used to. The strangeness I'd seen so far in those woods was not enough to cause an alarm yet. Oh, bhai. Lekin, ye badalne wala tha. Wo bhi bahut jald. Do raato baad. Achha, itni survive kar li? Raat ke 9:18. बोलो भाई. गुड न्यूज़, जस्ट हर्ड फ्रॉम द एचक्यू, दे से वी हैव गॉट अ न्यू सिस्टम अपडेट ऑन द कंप्यूटर. ओके, दे जस्ट वांटेड मी टू लेट यू नो, दे से इट्स एन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट. सिक्योरिटी अपडेट आया, ठीक है. मोर स्नूपर्स आई गेस. बताने के लिए शुक्रिया भाई, सिस्टम को अपडेट करना है भैया. चेक फॉर करंट वर्जन, CHKVER. करंट पैकेज की वर्जन है 2.07. CHKUPD. अच्छा देखिए, डाला तो मैंने इसलिए लिखा, वन अपडेट फॉर सर्विस रिपोर्टिंग सिस्टम वर्जन 1803, अपडेट फॉर रेनबो OS वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी पैच वर्जन 5468, पैकेज वर्जन 2.1.1, अपडेट क्लासिफिकेशन अपडेट, प्रोडक्ट साइज, पैकेज कोड 4346084. तो अपडेट फोर, अपडेट करने के बाद 4346084, ये तो ठीक है. प्लीज एंटर एन एक्टिव लाइन 5987, लाइन नॉट अवेलेबल 5487. हो गया. रब्बा, शुक्र है रब्बा. What just happened? Flashlight, flashlight, flashlight. किधर रखता हूँ मैं? इधर. What just happened? नहीं, खोल के नहीं देख रहा मैं, जरा सो जाता हूँ, सो जाता हूँ. जनरेटर बंद हो गया. अच्छा जनरेटर रैन आउट ऑफ गैस. नाउ वेयर द हेल डू आई फाइंड गैस? इसी में ही होगा. यही है ना गैस, तो गैसोलीन, आई डोंट नो मैन. ठीक है, मैं जनरेटर में ये तेल डाल के आता हूँ, देखते हैं. यही होना चाहिए. ये चला दिया जनरेटर फिर से, इसको यहीं फेंकते हैं और ऊपर चलते हैं. आई हैड टू पी बिफोर गोइंग बैक अप. ओके, वेट, वॉट? हेलो, सुसु करना. सुसु कह रहा करना है पर कर ही नहीं रहा. कर. और यहां पे आके ये साइड में मेरे माइक वाला आइकन शुरू हो जाता है. अच्छा, ओ भाई एक सेकेंड, एक सेकेंड. सुसु
सुसु यहाँ क्यों करेगा? यहाँ करेगा ना? कमोट में सुसु कर रहा है जब साइड में यूरिनल लगा हुआ है। आहा, सुसु की धार इधर उधर कर। अजीब बात है, कमोट में क्यों सुसु करेगा जब साइड में यूरिनल लगा हुआ है। पहुंच गया, मैं पहुंच गया वापस। एक हफ्ते के बाद, अच्छा, टाइम वॉज फ्लाइंग बाय। कॉर्नर्स जनरेटर वॉज अंडर मेंटेनेंस, विच मेंट आई हैड टू कवर हिज एरिया फॉर पास्ट टू डेज। पिछले दो दिन से कॉर्नर का भी मैं ही एरिया कवर कर रहा हूँ। व्हेन देयर वर नो फायर्स गोइंग, द ओनली थिंग आई वुड डू इज चेक इन ऑन कॉर्नर ट्वाइस अ डे। अच्छा, दैट माइट हैव बीन द ओनली टाइम मैंने किसी से भी बात करी हो। अरे पापरे, अनलेस मैं अपने आप से बात कर रहा था। रात के 2:34 क्या हो गया? कहा हो गया बे? ए बुड़बक, क्या हो गया? क्या? अरे एक आग लग गई फिर से कहीं पे। रुको, हम चेक करते हैं। अरे अरे, फिर आग लग गई कहीं पे। हेलो, क्या हो गया? हाँ, अबे यार, ठीक है, ओके ब्रो। टॉर्च कहाँ है? टॉर्च उठाइए और अपनी पेपर स्प्रे लीजिए। चलिए, कहाँ पर है स्मोक? स्मोक हो रही। अरे ये तो फिर वही नदी के पार है। मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था नीचे जाने में। क्यों, क्या हो गया भाई? सब ठीक है? तो अगर जाना ही नहीं है तो फिर मेरे को करना क्या है? कह रहा मुझे सेफ नहीं फील हो रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, बाइनोक्यूलर्स लेते हैं। इधर है ना? व्हाट? अबे ये तो सेटनिक शिट हो रही है कुछ। ओनली थिंग दैट मेड सेंस एट द टाइम वॉज टू टेक एविडेंस ऑफ इट। खींच भाई, फोटो खींच। व्हाट? व्हाट द एक्चुअल हेल? What?
एक सेकंड, आई हैड टू मेक द रन. वेट, मुझे भागना पड़ेगा. मेरी पेपर स्प्रे कहाँ है? ये पेपर स्प्रे है ना मेरी. आई एम गोइंग टू रन. एक सेकंड, लेट मी प्रोसेस. मैंने उनकी फोटो खींची, उन्होंने देख लिया, मैंने उनकी फोटो खींची और वो उनमें से एक बंदा मेरे को मारने के लिए आ गया. आई हैड टू मेक अ रन. मम्मा, ओ मम्मा. मम्मा. What? Wait, what? He killed me? All right. I want to know, भाई. वो नहीं करना था तो क्या करना था? मैं समझ नहीं पा रहा. हाँ हाँ, अरे उठ रहा हूँ भाई. ठीक है. तो लाइक वो एक पॉसिबल एंड था, बट एक्चुअल क्या एंड होगा जिसमें हम नहीं मरते, मुझे वो भी जानना है. ठीक है. वो भाई, वो तो उसने मार दिया. हाँ हाँ, ठीक है. ब्ला 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 ब्ला, ये सब स्किप मारा. अभी हमसे बात करेगा. ब्ला 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 ब्ला. इधर आए. बाइनोक्यूलर्स लाना भूल गए. बाइनोक्यूलर्स ये रहे. इसको लेकर आए इधर. इसको देखा. बैम 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 बैम. ये देखा हमने. ओ माय गॉड. निकाला कैमरा. इसकी खींची फोटो. जैसे अब मैं इसकी फ़ोटो खींचूंगा तो ये हमारे बड़ी तेज़ी में है. इसको फेंका यहाँ पे. इसको किया यूं और इधर बेड के नीचे. ये वो चला गया. ठीक है. एक सेकंड, ये करता हूँ मैं दरवाज़ा बंद. और एक बार आई हैड टू मेक अ रन. यही तो लिखा हुआ है, भागना है. इससे बात करने का कोशिश करें. अरे कॉनर भाई भी नहीं सुन रहे. अब क्या, बस भागना ही पड़ेगा. ओके. अब मैं इधर से भागता हूँ. वो मेरे को देखेगा. ये मैं तेजी से भागा. ये मैं भागा 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 भागा. अब क्या करूँ? इस वजह से वहाँ पे बाथरूम के अंदर साइन बना आ रहा था. ओके, अब भागते हैं. अब समझा मैं.
बाथरूम के अंदर छुपना था, इसलिए वहां साइन आ रहा था। डैम। बंद है। मेरी गाड़ी। चल 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 चल। As adrenaline kicked in, I hit the gas and drove to the nearest ranger cabin. Out of breath, I radioed in to alert the headquarters. Look, Jack, we all get a little stir crazy out there, Mitch answered. तू पागल है? तेरे को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? Next morning, authorities allegedly ran a small investigation of the area, but of course, they met with no signs of the misconduct. No one ever believed my story, dismissing it as a product of isolation. लोगों को लग रहा है कि अकेले रहने का side effect हो रहा है ये, कुछ भी। Just stick to looking out for fires, Mitch ने बोला। Wow. However, that was the last time I ever set foot in those woods. भाई मैं तो कभी ना जाऊँ उस जंगल में, ऐसे जान बचा के बंदा अगर अपनी निकले तो holy shit. वो घबराहट आज भी मुझे बहुत अजीब सी लगती है, मेरे पेट में ऐसा हैवी हैवी सा फील होता है। इतने साल हो चुके हैं लेकिन वो एक्सपीरियंस अभी भी इतना विविड है ना मेरी मेमोरी में। माई फैमिली थॉट आई वॉज मेकिंग दिस होल थिंग अप, अच्छा, विच इज़ रियली आउट ऑफ माई कैरेक्टर, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बट मुझे पता है मैंने क्या देखा था। सच या झूठ, आफ्टर डार्क जंगल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए गढ़ बन जाता है। सो इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग कैंपिंग, थोड़ा और डरावने तरीके से बोलता हूँ, सो इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग कैंपिंग सून, सुरक्षित रहिए। डैम, लेट्स गो। Anyways, guys, that is it for this episode of Fears to Fathom. Part number 4 is game ka aa chuka hai. And hopefully, ye game jitni achhi hai. My hats off to the producer of this game, jisne ye game banayi hai. Real. Legit. Fears to Fathom has to be one of the best real life horror series, bhai. Best. तो इस वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आई हो, एंड और ज्यादा अगर इसके लाइक पार्ट 5 जब आएगा उस देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।